बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से आज का वाला। दिनों के बाद व्लॉग बना रहा हूँ, तकरीबन 20 दिन हो गए हैं कोई वीडियो अपलोड नहीं की। मसला ये हुआ था कि हमारे गांव में थोड़ी लड़ाई हो गई थी 4 मई को, तो इस वजह से कोई वीडियो अपलोड नहीं की, ना ही बनाई है, बस वही रोले थे तो उधर ही बिजी रहा हूँ। तकरीबन हमारी 4 मई को लड़ाई हुई थी और सही लड़ाई हुई थी। एक बंदे को फायर लग गया था बस लड़ाई के दौरान, और हम 8 बंदों पे पर्चा था, जिसमें मेरे अब्बू, छोटे भाई और मुझ पे भी और बाकी कज़न वगैरह पे भी पर्चा था। फिर जमानतें करवाई, काफ़ी मुश्किल टाइम रहा है, उधर ही भाग दौड़ में लगे रहे हैं। और फिर हमारा राजनामा हो गया था 18 मई को, और राजनामा हो गए और उधर से जान छूटी है। लड़ाई हमारी इसलिए हुई थी कि गांव में जो विलेज में लोग रहते हैं उन्हें पता है कि विलेज में ज़्यादातर रौले ज़मीनों के होते हैं, इसीलिए ज़मीनों का हमारा भी कुछ रौला था, जिस वजह से लड़ाई हो गई थी। और अल्लाह का शुक्र है कोई इतना नुकसान वगैरह नहीं हुआ, सब कुछ ठीक रहा है और सभी नॉर्मल चल रहे हैं अब, बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल सारा कुछ हो गया। घर हूँ, कोई इतनी टेंशन नहीं है, बस उधर से भी फ्री हो गए। पहले पुलिस के होता था लेकिन जमानतें हो गई थी, वो भी इतना खौफ या डर नहीं रहा था। उसके बाद अब राजनामा हो गया है, सारा कुछ क्लियर हो गया है, अब एक दफ़ा फिर न्यू हो गए हैं, बस अल्लाह ने बचा लिया है, वरना इन केसों में इंसान की ज़िंदगियां बीत जाती हैं। लेकिन हमारा सारा कुछ सेट हो गया है, अब घर हूँ बस सुकून से। और इस दफ़ा रमज़ान भी ऐसे गुजर गया, पता ही नहीं चला, उधर ही झगड़ों में और रोज़ पुलिस स्टेशन, रोज़ अदालतें जाना होता था, तो रमज़ान का पता ही नहीं चला। आज जुम्मा का सामरी रही है, अभी जुम्मा पढ़ के मैं घर आया हूँ, सोचा पहले वीडियो बना लूँ। और एंड पे मैं कुछ दोस्तों का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारा साथ दिया। काफ़ी दोस्त जो से थे मुश्किलात में रहे हैं, क्योंकि इंक्वायरी थी, वैसे कोई मामला भी होता था, तो काफ़ी दोस्तों ने साथ दिया, जिनमें अजमत जानी साहब, उमर फारूक साहब, मुदसर साहब और मेरे खुर्रम भाई और मेरे दोस्त असगर गोंदल साहब, जो से दुबई से हमें सपोर्ट करते रहे हैं। रोज़ बेचारा कॉलिंग करता था किसी चीज़ की ज़रूरत है या कुछ भी। और उनके छोटे भाई अख्तर साहब, वो भी हमारे साथ थे। काफ़ी और भी लड़कों ने, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहे, लेकिन असद कोड़ा साहब, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट की है। काफ़ी लड़के जो उनसे थे सपोर्ट करते रहे हैं। आमिर मुखलिस साहब, और अब मेरे जहन में इतने नाम नहीं आ रहे, लेकिन बहुत से सारे लड़कों ने हमारी सपोर्ट की है, हमारा साथ दिया है, सबको शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी के साथ अपने फरहान भाई को दीजिए इजाज़त, दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।